हॉलीवुड के प्रसिद्ध टीवी अवार्ड शो इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 का आयोजन जल्द न्यूयॉर्क में होने वाला है। इस सेरेमनी में कई भारतीय सेलेब शिरकत करने वाले हैं। एक्ट्रेस शेफाली शाह, एक्टर वीर दास और जिम सरब ने इस अवार्ड शो की नॉमिनेशन लिस्ट में जगह बनाई है। वीर को बेस्ट कॉमेडी, शेफाली को बेस्ट परफॉर्मेंस बाय इन एक्ट्रेस और जिम को बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। एमी अवार्ड्स 2023 की ओपनिंग कॉकटेल नाइट में जिम सरब, शेफाली शाह और वीरदास शामिल हुए। तीनों ने पैपराजी के कैमरा के लिए पोज किया और बातचीत भी की। इतना ही नहीं, तीनों सितारों को एमी के रेड कार्पेट में शामिल होने के लिए गोल्ड पासेस और गोल्ड मेडल्स भी मिले। तीनों स्टार्स ने अपने मेडल्स को खूब फ्लॉन्ट भी किया। शेफाली शाह को बेस्ट परफॉर्मेंस बाय इन एक्ट्रेस का नॉमिनेशन अपनी नेटफ्लिक्स सीरीज डेली क्राइम के सीजन 2 के लिए मिला है। इस सीरीज में शेफाली एक दमदार पुलिस वाली के रोल में नजर आई हैं। अवार्ड को पाने के लिए उनका मुकाबला डेनमार्क की एक्ट्रेस कॉनी नीलसन, यूके की बिली पाइपर और मैक्सिको की कार्ला सूजा से है। जिम सरब को बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर का नॉमिनेशन अपने सोनी लिव के शो रॉकेट बॉयज के लिए मिला है। शो में उन्होंने भारत के न्यूक्लियर फिजिसिस्ट होमी जे भाभा का रोल निभाया है। अपने काम के लिए जिम ने काफी सराहना पाई थी। अब अवार्ड को जीतने के लिए जिम का मुकाबला अर्जेंटीना की एक्टर गुस्तावो बसानी, यूके के मार्टिन फ्रीमैन और स्वीडन के जोनस कार्लसन से है। वीरदास इस अवार्ड शो में अपने नेटफ्लिक्स के कॉमेडी स्पेशल वीरदास लैंडिंग के लिए नॉमिनेशन मिला है। वीर का मुकाबला इस अवार्ड को जीतने के लिए फ्रांस के शो ले फ्लैम्बियो, अर्जेंटीना के शो याई इनकारगाडो और यूके के शो डेली गर्ल्स सीजन 3 से है। 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के विजेताओं का ऐलान 20 नवंबर 2023 को होगा। इसी दिन न्यूयॉर्क में ये अवार्ड सेरेमनी होने वाली है।